नमस्कार दोस्तों, देख लीजिए आज हम आप लोगों को एंटेक्स हैंग्री सिरप लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर हमें कोई ऐसा सिरप बताएं जो हमारे सेहत को काफ़ी स्वस्थ रखे और हमारी भूख को तेज़ी से बढ़ाएं। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में आज हम आप लोगों को ये सिरप लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लगती है या आपको कमजोरी है या आपको बार बार आलस की समस्या छाई रहती है, तो ऐसे स्थिति में आप अपने समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को एंटेक्स हैंग्री सिरप के फ़ायदे बताते हैं। दोस्तों फ़ायदे बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर करें, ताकि कोई भी नए वीडियो हम अपडेट करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो दोस्तों आपको अपने मार्केट में जाकर एंटेक्स हैंग्री सिरप 200 ml का ख़रीद लेना है। इसकी प्राइस जो है 150 रुपये है, देख लीजिए दोस्तों 150 रुपये है, आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको ख़रीद कर कैसे इसका सेवन करना है, कितने दिनों तक करना है, दोस्तों सबसे पहले आप ये सोच लें कि अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप इस सिरप का ज़रूर सेवन करें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको भूख लगती है तो आपका सेहत स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अगर भूख लगती है तो आप जो भी खाएंगे वह अच्छी तरह से पाचन भी तंत्र इसके साथ स्वस्थ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल भोजन खाते रहिए और आपका पाचन तंत्र खराब रहे, तो आपको नहीं सूट करेगा, क्योंकि आपका हेल्थ जो है ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थिति में आपको यह पाचन तंत्र के साथ साथ भूख लगने लगती है और इसके साथ आपके अंदर कमजोरी है तो दूर हो जाती है, इसके साथ आपका वेट भी बढ़ने लगता है। दोस्तों जब आप खाएंगे पिएंगे और आपका वेट धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा, दोस्तों भूख लगती रहेगी और आपका वज़न भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में आपको यह सिरप कैसे सेवन करना है, दोस्तों भोजन के बाद आपको 10 ml सुबह और शाम सेवन करना है। दोस्तों लगातार आपको कम से कम 1 महीने इसका सेवन करना है। अगर आप 1 महीने से लेकर 3 महीने इसका सेवन करते हैं तो आपको खुलकर भूख लगेगी और आपकी बॉडी भी ग्रो होगी, आपका हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा, आलसपन की समस्या भी दूर हो जाएगी। दोस्तों आपके अंदर जो भी कमजोरी की समस्या रहेगी वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको रोज़ाना सेवन करना है भोजन के बाद। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए हेल्थ संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।